नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 900 स्क्वायर फीट का 2 BHK मकान, जो कि ये मेन हाईवे आपको दिख रहा है, हरदोई बाईपास से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ये मकान है। ये गेटेड कॉलोनी है, ये मेन एंट्रेंस है कॉलोनी का, यही एक रास्ता सिर्फ अंदर आया हुआ है कॉलोनी के, और ये सारे मकान न्यू यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर सारे प्लॉट सेल हो चुके हैं, जो भी हैं वो रीसेल में ही हैं। और ये है आपका 900 स्क्वायर फीट का 2 BHK का मकान। तो एलिवेशन से बात कर लेते हैं इस मकान की। ईस्ट फेसिंग का मकान है ये, 20x45, फ्रंट इसका 20 फीट का है, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही खूबसूरत रखा गया है ग्रे एंड येलो से। और फ्रंट में ये लाइटें दी गई हैं, 2 लाइटें अप एंड डाउन के लिए ऊपर लगी हुई हैं और एक ये नीचे। बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है मकान का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, अंदर चलते हैं, मकान के बारे में जानते हैं। आइए चलते हैं मकान के अंदर और जानते हैं इस मकान की बारीकियों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया आपको, 20x45 का ये एरिया है, ईस्ट फेसिंग का मकान है ये। आइए चलते हैं मकान के अंदर, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। ये है आपका पार्किंग एरिया, यहाँ पर डिज़ायर, बलेनो, इस साइज़ की कोई भी गाड़ी सफलतापूर्वक पार्क की जा सकती है। नौ फिट का ये चौड़ा है और 16 फिट इसकी गहराई है आपकी पार्किंग एरिया की। इन्वर्टर के लिए यहाँ पर स्पेस दे दिया गया है नीचे, और डायरेक्ट सप्लाई भी पानी का। पार्किंग एरिया में वाइट ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है और सीढ़ियों पे ब्लैक। POP से खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, बाहर के कलर से मैचिंग करता हुआ। और यहाँ पर एंट्री के लिए हमें डबल एंट्री मिलेगी, एक तो गेस्ट रूम से और दूसरी डाइनिंग हॉल से। ये यहाँ पे हमें लॉन मिलेगा और उसी के साथ में ही यहीं पे एक वॉशरूम मिल जाएगा। पूरे मकान में मजबूती का बहुत ही उम्दा ध्यान रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लटक बीम के साथ में पूरा मकान बना हुआ है। यहीं पे एक वॉश बेसिन दे दिया गया है और ये समरसेबल का पैनल। तो हम गेस्ट रूम से इंटर करते हैं। इस मकान में जो भी डोर लगे हैं वो बोर्ड के नए हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है पॉलिश है तो बेहतरीन शाइनिंग आ रहा है इसमें।
जो भी चीजें लगी होंगी मकान में टोटल ब्रांडेड होंगी। डाइनिंग और गेस्ट रूम मिला लेंगे तो 27 फीट का हो जाएगा टोटल। फॉर सेलिंग का ये खूबसूरत डिज़ाइन। डाइनिंग और गेस्ट रूम की जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एक ही रखी गई है और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक दे रहा है। देखिए लटक भी मैं आपको ये पूरे मकान में दिख रहे हैं। आराम से इसको आप 5 मंजिल मकान बना सकते हैं। पूरे मकान में अंदर के पोर्शन में व्हाइट कलर की टाइल्स का प्रयोग किया गया है। यह है आपका गेस्ट रूम का एरिया। और ये है आपका किचन। यहाँ पर मॉड्यूलर किचन बना के नहीं दिया जाता है, अगर आप कहेंगे तो फिर आपके इच्छा अनुसार वो बना दिया जाएगा। ये आपका सिंक है जो साउंड प्रूफ है। आरओ के लिए ऊपर पॉइंट है, यहाँ पर लगा सकते हैं आप। और ये आपके 2 बेडरूम। डाइनिंग हॉल से ही एक छोटा सा ओटीएस दे रखा है 2x2 का। जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। इस मकान के लोकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हरदोई बाईपास पर बुद्धेश्वर से पहले ही ये मकान है और गेटेड कॉलोनी में है, प्राइम लोकेशन है। 900 स्क्वायर फीट का 2 BHK मकान है ये। मकान तो आपको पूरा दिखा दिया गया है, अब ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए आपको इसका प्राइस भी बता दिया जाता है। आइए चलते हैं छत पे से आपको इस मकान की और कॉलोनी की लोकेशन दिखवाते हैं। ये ऊपर की मुमती में स्टोरेज के लिए स्पेस है, यहाँ पर भी आप अपना सामान रख सकते हैं। ये है छत से कॉलोनी की लोकेशन। देखिए बहुत ही खूबसूरत मकान बने हुए हैं यहाँ पर। ये सामने हाईवे दिख रहा है, इधर से भी। पूरा फेसिंग का 900 स्क्वायर फीट का मकान है ये, 20x45। ये लोकेशन रोड से पास में ही है, इससे यहाँ पर लैंड का रेट ज़्यादा है, फिर भी रिजनेबल प्राइस रखा गया है इस मकान का।